हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम पहुंच चुके हैं एक नई जगह, कुकड़ेश्वर महादेव। या दोस्तों, यहां से जो है हमें पहाड़ की राइडिंग भी करनी है। अभी आगे देखेंगे वीडियो में कुकड़ेश्वर महादेव। जी हां दोस्तों, हम निकल चुके हैं आज एक नई जगह, कुकड़ेश्वर महादेव। जी हां दोस्तों, यह उदयपुर से पास में ही है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी हम चल रहे हैं उदयपुर से जो सिरोही और पिंडवाड़ा की तरफ जो रोड जाता है, उस बाईपास रोड पर। और यहीं पर जो है, इस बाईपास रोड पर सुकेर से थोड़ा आगे से ही, ईसवाल से थोड़ा पहले जो लखावली गांव है, उसके गांव की तरफ जो रास्ता जाता है, उसी गांव पर जो है कुकड़ेश्वर महादेव स्थित है। ये देखिए, स्वागत द्वार आ गया है श्री कुकड़ेश्वर महादेव जी का। और अगर आप कविता की तरफ से भी आते हैं तो भी आप यहाँ पर इस जगह पर जो है आप क्रॉस हो सकते हैं। और अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन मंदिर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, कुकड़ेश्वर महादेव बहुत ही शानदार। आज जो देखिए, मौसम भी काफ़ी अच्छा है और जो बादल है वो पहाड़ों पर लूम रहे हैं। काफ़ी शानदार व्यू होता है ये जब आप इन्हीं पहाड़ों के बीच में जो बने हुए जो रोड हैं इनसे गुजरते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे आप किसी कुल्लू मनाली जैसी जगह पे आ गए हैं। लेकिन ये उदयपुर है जी हाँ दोस्तों, ये भी अपने आप में एक विश्व पटल पर अपना एक स्थान रखता है। और इसी खूबसूरती की वजह से जो है उदयपुर का नाम जो है विश्व के टॉप पर्यटन स्थलों में शुमार है। जी हाँ दोस्तों, रोड क्या है कि अभी बारिश हुई है तो थोड़ा आपको इस प्रकार दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हो तो रोड काफ़ी अच्छा है, आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं। ये जो गांव के बीच में जो कनेक्टिंग रोड होता है वो रोड ही है। और ये देखिए, जो जिस खूबसूरती की मैं बात कर रहा था, पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं वो पूरे मंडराते हुए। और ये देखिए घाटी, दोनों तरफ ऊंची पहाड़ियाँ, और इसी के बीच से जो है श्री कुकड़ेश्वर महादेव जी का रास्ता। जी हाँ दोस्तों, पास में जो गांव है लखावली भी है और परायों की भागल। यहाँ से जो रोड राइट साइड में जा रहा है वो परायों की भागल जाता है और सीधा जो है हमने को कुकड़ेश्वर महादेव की ओर ले जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से रोड जो है बना हुआ है और इसी के साइड में जो है पानी बह के जो आता है एनीकट बना हुआ है, और यही पानी बह के आगे जाता है। देखिए एनीकट भी पूरा भर चुका है, बारिश अच्छी हुई है तो। और यहाँ पर भी हैं काफ़ी सारे लोग जो हैं नहाने का आनंद लेते हैं। अभी ओवर फ्लो चल रहा है और उसकी जो झरना है वो भी एक अलग प्रतीत हो रहा है। यहाँ तक जो है आप आराम से फोर व्हीलर भी ला सकते हैं, यहीं पर जो है फोर व्हीलर की पार्किंग है, क्योंकि आगे थोड़ी सी चढ़ाई है। और देखिए, लेकिन बाइक जो है, हम बाइक पर आए हैं तो थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं अभी, तो थोड़ा आगे अपन चलते हैं ताकि थोड़ा कम चलना पड़े। लेकिन यहाँ पर आके जब आप पैदल चलते हैं तो जो पैदल ट्रैकिंग का मज़ा है वो अलग ही है। प्रकृति के बीच में जो है एक अलग ही जो है आनंद प्राप्त होता है और काफ़ी अच्छा। जब तेज़ बारिश होती है तो इस रोड साइड पर जो नाला है वह भी काफ़ी तेज़ आता है। अभी देखिए कल कल बहता पानी, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप कश्मीर की वादियों में हैं, जहाँ पर जो है माँ गंगा जब निकलती है तो वो भी इसी प्रकार से जो है कंदराओं और पत्थरों के बीच में जैसे निकलती है। यहाँ पर देखिए गिरगिट प्रकृति का आवास कराते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अभी हमें पहाड़ी को चढ़ना है। हम भी पहली बार आए हैं, पता नहीं मंदिर कितनी दूर है, लेकिन हम भी राइडिंग करते हुए जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, पैदल चलने का बहुत ही अलग मज़ा है। और देखिए कल कल करता पानी बह रहा है इन पहाड़ी के बीच में से, और आगे जाके एनीकट में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए अरावली की पर्वतमाला है, यही तो उदयपुर की खूबसूरती है। और इसी का आनंद जो है प्रकृति की गोद में आके मिलता है। तो दोस्तों चलते रहते हैं और आगे देखते हैं वीडियो में मंदिर कितना दूर है। तो दोस्तों, पहाड़ चढ़ के अभी हम ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए एक सराय बनाई हुई है। मंदिर परिसर भी बता रहे हैं कि इससे थोड़ा आगे से ही है। अभी हमने चढ़ाई चढ़ी है और यहाँ पर जो है एक सराय का निर्माण किया हुआ है कि ताकि कभी कोई प्रसादी वगैरह यहाँ पर लेके आते हैं तो यहाँ पर जो है आसानी से बना सकते हैं। और अब देखते हैं आगे मंदिर का रास्ता जो है इसी। तो दोस्तों, ये मंदिर मार्ग आ गया है, अभी हम मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। चलते गए हैं, काफ़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी थी और अब लेकिन जो है मंदिर आने वाला है। तो दोस्तों, अभी जो है हम पहले चढ़ाई की थी और अब जो ढलान की तरफ
उतर रहे हैं, थोड़ा सा ढलानी है। और यहाँ पर देखिए इस पेड़ ने जो है एक स्वागत द्वार बना रखा है। देखिए पेड़ भी इस प्रकार से लटका हुआ है कि आपको इसके नीचे से होके जाना है। तो ये प्रकृति ने जो है स्वतः ही अपना एक स्वागत द्वार बना दिया है आपके लिए यहाँ पर, कि जब आप आएँ भगवान शिव के धाम में तो आपका जो है स्वागत इसी प्रकार के जो है प्राकृतिक वनस्पति आपका करें। और यह देखिए यहाँ पर एक सुंदर एनीकट बनाया हुआ है और लोग बाग यहाँ पर जो है नहाने का आनंद लेते हुए झरना देखिए काफ़ी ऊपर जो पहाड़ों से पानी जो बह के आता है और यहाँ पर बिल्कुल एकदम शांत और शीतल जल भरा हुआ। और अभी जिस पहाड़ी की साइड में हम चढ़ के आए वहाँ पर भी लोग बाग जो है नीचे तक जो है तैरने का और नहाने का आनंद लेते रहते हैं। और यह जो है अभी हम मंदिर परिसर के बिल्कुल नज़दीक में जो जगह है जहाँ पर जो है, चूँकि आज संडे का दिन है तो लोग बाग जो है पिकनिक वगैरह भी यहाँ पर लाए हैं। कई सारे जो लोग हैं यहाँ आने का आनंद लेते आनंद लेने आते हैं। इसके अलावा जो है कुछ समय जो है उनको प्रकृति के बीच में रहने का मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम जो है आगे मंदिर में देखेंगे। देखिए मंदिर परिसर के पास में जो है पानी जो है एक छोटे से झरने के रूप में बह रहा है और एक अलग ही जो है अपने को आनंद देता है। जब आप इसकी आवाज़ सुनते हैं तो आपकी जो थकान है वो आप स्वतः ही गायब हो जाती है और इस जगह पर जो है एक अलग ही जो है आवास होता है और एक स्पिरिचुअलिटी मतलब कि यहाँ पर जो आध्यात्मिकता है वो प्राप्त होती है। तो दोस्तों जिस भोलेनाथ का हम दर्शन करने के लिए नीचे से यहाँ तक चढ़े हैं उस मंदिर परिसर में हम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल मंदिर परिसर के जस्ट बाजू में ही जो है यहाँ पर एक छोटा सा निकट और बनाया हुआ है और यहीं से जो है ऊपर से जो पानी है वो बहता हुआ जो आ रहा है वो यहाँ पर स्वतः ही नीचे की तरफ बह रहा है। और अभी हम पहुँच चुके हैं श्री कुकड़ेश्वर महादेव जी के मंदिर। और बताते हैं यह मंदिर भी काफ़ी सालों पुराना है और पुजारी जी द्वारा जो है यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही जो उनके द्वारा जो है नियमित पाठ भी किया जा रहा है जो कि बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और ऊपर जो है पास में जो है शेषनाग की काफ़ी बड़ी जो है तांबे की वो भी बनाई हुई है। और जैसा कि जिस स्वच्छ जल देखिए जिसकी मैं कह रहा था छोटा सा निकट यहाँ भी बनाया हुआ है जिसमें ताकि ऊपर से जो पानी है वो बह के आए वो भरा रहे। गर्मियों में भी यह जो है पक्षियों और जो पशु हैं उन लोगों के लिए जो है ये पीने के पानी के काम में आता है। अभी बारिश में तो काफ़ी पानी की अधिकता है लेकिन गर्मी के सीजन में भी इस कुंड में जो है पानी भरा रहता है। यहाँ पर भी देखिए भगवान भोलेनाथ की जो है शेषनाग की जो प्रतिमा है वो इधर रखी हुई। और पास में देखिए इस मंदिर परिसर के अंदर भी जो है काफ़ी दो बड़े बड़े पेड़ हैं। और यहाँ पर आज संडे जैसा कि मैं कह रहा था लोग बाग जो है पीछे चूरमा बाटी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर जो है सभी अपने अपने साधन लेके आते हैं और यहीं पर जो है चूरमा बाटी या पकौड़े वकोड़े बना के यहाँ पर जो है छुट्टी का आनंद लेते हैं। काफ़ी सुंदर जगह और शहर से दूर भी नहीं है और आपको जो है एक अलग ही दुनिया में जो आपको ले जाती है। ये देखिए सुंदर एनीकट से पानी बहता हुआ और जो बच्चे हैं यहाँ पर नहाने का आनंद लेते हुए, लोग बाहर जो प्रसादी लेके आते हैं वो भी यहाँ बर्तन वगैरह भी हैं आसानी से धो सकते हैं। बहुत ही सुंदर जगह, निर्मल जल जो अपने वेग से जो है ढलान की तरफ बहते हुए और बच्चे जो हैं इस खुशी का आनंद लेते हुए। झरना देखिए छोटा सा झरना है लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो अपने आप में बहुत बड़ी और सुंदर मनमोहक बहुत ही शानदार जगह है श्री कुकड़ेश्वर धाम। जी हाँ कुकड़ेश्वर महादेव उदयपुर के पास में जो कि मंदिर के पास में जो है झरना बहुत शानदार, मंदिर के पीछे जो पहाड़ है उससे आता हुआ देखिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग जो है नहाने का आनंद लेते हुए और ओवरफ्लो होता हुआ पानी और हल्की हल्की बारिश भी आ रही है। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब